स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मानसी राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। ग्वालियर में 7 दिन के लिए प्रभावी कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने प्रशासनिक अधिकारी सड़कों पर नजर आने लगे हैं। छूट का समय निकलते ही मैदानी अमला सक्रिय हो गया और सब्जी के ठेले को हटवा दिया, साथ ही दुकान भी बंद करा दी गई है। ग्वालियर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कोषलेन्द्र विक्रम सिंह ने आज गुरुवार से 7 दिन के लिए ग्वालियर जिले में कोरोना कर्फ्यू लगा दिया है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी अन्य सेवाओं को प्रतिबंध किया गया है। प्रशासन के अधिकारियों के कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने की हिदायत दी गई है, जिसका असर सुबह से दिखाई दिया। कोरोना कर्फ्यू में सब्जी, फल, दूध, अंडे, ब्रेड आदि की बिक्री के लिए सुबह 6 बजे से 10 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। इसके बाद इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। मुरार में जब सब्जी वाले और अंडे ब्रेड वाले दुकानदार निर्धारित समय के बाद भी सब्जी बेचते दिखाई दिए तो SDM पुष्पा पुसाम और उनकी टीम ने उन्हें हटा दिया और अनाउंसमेंट कर सभी से कोरोना कर्फ्यू के नियमों का पालन करने की अपील की है।